नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल गीता के पकवान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाना की उपमा, जो बहुत ही टेस्टी लगता है। खिचड़ी से भी, साबूदाना खिचड़ी से भी अच्छा उपमा लगता है। आप एक बार ज़रूर बनाइए और बना कर खाइए। तो वीडियो शुरू करते हैं। निकाल के इसके बाद कपड़ा में थोड़ा देर के लिए 10 मिनट हवा में छोड़ देंगे। अब इसको 10 मिनट के लिए कपड़ा में सूखने देंगे। निकला सब सूख गया है, उतना ही पानी डालें जो सूख गया। डाल देती हूँ और डालकर इसको पूरे ऐसे से फैला देंगे कि आपस में बनाने वक्त चिपके ना। सब पानी सूख गया, एक एक दाना अलग अलग दिख रहा है। चलिए अब शुरू। बड़े चम्मच से 2 चम्मच तेल, जीरा डाल, दालचीनी जरूर डालिएगा। ये इसका उपमा में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। किसी चीज़ का उपमा बनाइए, सूजी वगैरह का, आप दालचीनी जरूर डालिए इसका फ्लेवर। दालचीनी डाल देते हैं। अब ये अदरक का जो कट किया हुआ है, चेकिंग 3 हरी मिर्च है, पत्ता, और इसको थोड़ा ब्राउन करके भून लेते हैं। याद रहेगा लेते हैं 1 टेबल टीस्पून है मिर्ची, स्वाद अनुसार डालिए जितना आपको मिर्ची पसंद हो। उसके बाद 1 टमाटर है, 1 टमाटर डाल दिए। आपको मीडियम कर देते हैं। ये उपमा बना के जरूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। हमें देखिए देसी टमाटर है, जल्दी गल गया। अब ये सब दाना डाल देते हैं। देखिए कैसे अलग अलग साबूदाना है। उबाले थे, 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। अब ये हो गया है। अब इसमें 4 मसाला डाल दीजिए, और इसे आप धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। धनिया पत्ती तो मिलेगा नहीं बाजार में, अब इसका सीजन है नहीं, इसलिए आपको धनिया पत्ती है तो धनिया पत्ती भी डाल दीजिए। चलिए अब गैस ऑफ करते हैं। देखिए साबूदाना का उपमा देखने में कितना टेस्टी है, खाने में उतना ही टेस्टी है। आप एक बार ज़रूर बना कर देखिए। आपको अच्छा, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप दोस्तों में प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।